राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्ली हिंसा के मामले बढ़ने के बाद 2 साल में 80,000 भारतीयों ने नए गन लाइसेंस लिए हैं। अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीयों में पहले बंदूकें रखने का ट्रेंड नहीं था। 2 साल पहले मात्र 40,000 भारतीयों के पास ही बंदूकें थी। अमेरिका के नेशनल फायर आर्म सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अब गन लाइसेंस वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई है। सर्वे के अनुसार 20,000 भारतीयों ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मानस बनाया है। अमेरिका में भारतीय समुदाय सबसे शांतिप्रिय समझा जाता है। यहाँ पर 100 अमेरिकियों पर 120 बंदूकें हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 2020 में भारतवंशी अमेरिकियों पर हमले 500% बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्मावलंबी है। उधर उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं के संगठन कोहना के निकुंज त्रिवेदी का कहना है कि जिस भी देश में हिंदू जाकर बसते हैं वे वहां के विकास में योगदान देते हैं। पिछले 5 साल के दौरान हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। फिंकेलस्टाइन के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ी है। हिंदू फोबिया को एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।